हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो कैसे हैं सब लोग उम्मीद है सब खैरियत से होंगे पी एस एल नाइन के थ्रिलर मैचेस एन्जॉय कर रहे होंगे सबसे पहले तो थैंक यू टू द क्रेजी क्राउड ऑफ मुल्तान फॉर गिविंग अस जैम पैक्ड हाउसफुल स्टेडियम ड्यूरिंग पी एस एल नाइन मैचेस मुल्तान का क्राउड कभी डिसअपॉइंट नहीं करता बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पाँच ही मैचेज होस्ट करने के लिए दिए गए थे एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द ब्यूटीफुल पीपल ऑफ मुल्तान भाई सब्सक्राइब तो बनता है उनके लिए बेलाइकन को भी प्रेस कर लें आगे कराची पिंडी का भी आपको अपडेट करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए मैं बिल्कुल प्रीवियस वीडियो पे कमेंट करने वालों के साथ एग्री करता हूँ की मुल्तान को नौ नौ ग्यारह ग्यारह मैच मिलने चाहिए थे जिस तरह पिंडी कराची लाहौर को मिले करा लेकिन खैर मुल्तान के लोग इसको ज्यादा ना क्योंकि अभी के होम ग्राउंड नहीं हुए जब वो एड हो जाएंगे फिर मैच इक्वली डिवाइड होंगे लेकिन खैर आपके तो पांच होम मैच होस्ट हो गए मुल्तान सुल्तान के हाल दो इस बार पीएसलान में हमें ब्रॉडकास्टिंग को लेकर हाकाई अल्ट्रा आया जिसके अलावा बाकी भी हमें कुछ मिस्टेक्स देखने को मिली खैर ये ग्लेचेस वगैरह होते रहते हैं अल्ट्राएच वगैरह के लेकिन इतने भी नहीं होने चाहिए अब ये सारे बगी कैम्स ड्रोन कैमरा जो प्रोडक्शन यूनिट है उन्होंने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में अपनी ड्यूटी की पहले पांच मैचेज को कामयाबी से होस्ट किया अब यहाँ की ये सारी टीमें कराची नेशनल बैंक क्रिकेट शिफ्ट हो जाएंगी बल्कि ट्रैवल भी कर गई आगे मैं आपको अपडेट करता हूँ और जाते जाते वंस अगेन थैंक यू करना चाहेंगे मुल्तान के लोगों को होपफुली आने वाले सीजन में आपको नौ नौ ग्यारह ग्यारह बल्कि इससे ज्यादा मैचेज होस्ट करने को मिले नए फ्रेंचाइज एड हो नई सिटीज एड हो अब ये तो थर्टी फोर मैचेस कुछ भी नहीं लगते आईपीएल की एग्जाम्पल ले लें दस दस टीमें खेल रही हैं चौहत्तर चौहत्तर मैचे होते हैं पूरा शेड्यूल तक अभी उनका अनाउंस नहीं हुआ सिर्फ पहला फेज इक्कीस मैचेज हुआ है अभी बाकी शेड्यूल भी आना है तो इतने ज्यादा मैच हो गए खैर मुल्तान के सब ग्राउंड स्टाफ को थम्स अप वहाँ की गवर्नमेंट को जिस तरह से कामयाबी से मैचेस होस्ट किए क्रेडिट जाता है लाहौर में भी एक दो मैचेज रहते हैं वहां की टीम फिर पिंडी स्टेडियम शिफ्ट हो जाएगी एंड जो मुल्तान की टीम है ये लेटेस्ट व्यू आप देख सकते हैं ऊपर फ्लाइट से बड़ा व्यू आप देखे नेशनल स्टेडियम कराची का जो की ऑलमोस्ट रेडी है ये आज का लेटेस्ट व्यू है यहाँ की टीमें ट्रेवल कर गई है कराची स्टेडियम के लिए और कराची में मैचेस 28 फरवरी से यानी परसों से होस्ट होना शुरू हो जाएंगे जबकि पिंडी के लिए अभी एक दो मैचेस लाहौर में होस्ट होने हैं तो पिंडी के मैचेस जो हैं वो दो मार्च से शुरू होंगे वहां पे भी तैयारियां वहां पर दो मार्च से इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पिशावर जल्मी के होम मैच पहले दो मैचेज यही हैं डबल हेडर दो बार खेले जाने हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता है पेशावर जलमी का होम ग्राउंड पेशावर का क्रिकेट स्टेडियम है वो अभी रेडी नहीं है आने वाले सीजन में जब वो एड हो जाएगा तो होम ग्राउंड के तौर पर वो पेशावर का स्टेडियम होगा फिलहाल ये रावलपिंडी पिंडी पिशा के करीब है तो इस्लामाबाद यूनाइट भी ट्विन सिटीज़ के तौर पर राहुल पिंडी को होम ग्राउंड के तौर पर यूज़ करती है जबकि पशावर जलमी का भी ये होम ग्राउंड होता है बाकी जो स्पाइडर कैम वगैरह हो गए कराची स्टेडियम में वो भी सारी उसकी सेटिंग हो जाएगी एक से दो दिनों में एंड वो चेयर्स की इंस्टॉलेशन शुरू हुई थी सामने की कंक्रीट वाली वसीम बारी इनक्लोजर में वो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे वीडियो कंटिन्यू रखी उसका क्या बना और पिंडी स्टेडियम में तो अभी दिन है तीन से चार दिन तो उसका आराम से अपडेट कर देंगे जिस तरह से हमने आपको प्रिपरेशन का अपडेट किया लाहौर से शुरू किया मुल्तान और फिर इस तरह से कराची अब आए कराची के बाद फिर पिंडी भी सारा आपको अपडेट करेंगे हमेशा की तरह हर साल की तरह हम आपको पी अपडेट करते हैं तैयारियाँ वगैरह नाउ इट्स स्टैंड फॉर द पीपल ऑफ़ कराची जिनके बारे में लोगों ने मशहूर किया हुआ है भाई कराची के लोगों के पीछे इस तरह से बातें ना करें कि भाई वो हाउस फुल नहीं करते या वो स्टेडियम में मैचेस देखने नहीं आते आप देख लीजिएगा वहाँ पे अभी कंक्रीट uh, के स्टैंड में जो मैंने आपको अपडेट किया था ये चेयर्स इंस्टॉलेशन भी हुई है टेम्प्रेरी चेयर्स जिन स्टैंड में कंक्रीट है वो भी इंस्टॉलेशन उसकी तैयारियाँ भी शुरू हो गई हैं सो फैंस आएंगे इस बार थ्रिलर मुकाबले हो रहे हैं और फाइनल भी कराची होस्ट कर रहा है तो आप देखिएगा कराची के लोग भाई आप उनको इस तरह से हल्के ना नो डाउट के लाहौर के क्राउड ने भी हैरान किया भाई जिस तरह से उन्होंने भी जैम पैक हाउसफुल स्टेडियम दिया हाउसफुल तो नहीं थे लेकिन काफी क्राउड आया हुआ था लाहौर में भी खासकर जो अभी अभी थ्रिलर मुकाबले हुए पिछावर जलमी वर्स लाहौर कलंदर का, का उससे पहले कराची और लाहौर का वो तो आर्च ट्राइवल्स थे उनका जो मैच हुआ उसमें भी काफी क्राउड आया हुआ था अच्छा जो वसीम बारी इंक्लोजर में ये चेयर इंस्टॉलेन शुरू हुई थी थ्री तक बताया जा रहा था जियो सुपर की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी इंस्टॉलेशन तो इस स्टैंड में कंप्लीट हो गई है लेकिन इसका लेटेस्ट के लिए आप स्टेट यून रही उसकी प्रॉपर एक पूरी प्रेपरेशन वीडियो में आपके साथ आने वाली दिनों में शेयर करूंगा एक से दो दिन में तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी एक दो दिन है कराची स्टेडियम में प्रेपरेशन चल रही है वहां पर डिजिटल बाउंड्री बाउंड्रीटॉलेन एंड वो बाउंड्री क्वेश्चन हो रही हैं वो जब सारा स्टेडियम एक कंप्लीटली तैयार हो जाएगा तो फिर वीडियो शेयर कर देंगे उसमें फिर दिन भी इतने नहीं होते तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब पूरा स्टेडियम तैयार हो जाएगा तो जिन स्टैंड में ये चेयर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है वो भी आपको डिटेल से अपडेट कर देंगे जिसमें टेंप्ररी तौर पर चेयर्स लगी वो भी आपको सारा दिख जाएगा और सारी प्रिपरेशन आपको एक ही वीडियो में अपडेट हो जाएंगे हम जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन कंप्लीट हो गए हैं लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट अभी तक नहीं बन पाई प्राइम मिनिस्टर तक का पता नहीं लग रहा कि कौन है सीएम अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं सुनने में आया कि पंजाब के तो मरीब नवाज़ सीएम बन गई हैं एंड सिंध के अली शाह वही अगेन तीसरी बार सी होंगे सक्कर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होपफुली वो इस बार कंप्लीट कर वरना तो 2012 हज़ार से ही अंडर कंस्ट्रक्शन है खैर उसकी भी आपको अपडेट करेंगे इसके अलावा पंजाब साइड पे हमें होपफुली के स्पोर्ट्स सेक्शन में हमें अपडेट्स देखने को मिले मरीम नवाज किस तरह से काम करती है मोहसिन नकवी किस तरह से काम करते हैं वो चेयरमैन रहते हैं या वो फिर नजम सेठी लेकर आते हैं वो तो पैटर्न इन चीफ पे पी सी बी के जो पैटर्न इन चीफ़ होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं और एक अपडेट भी की गई है कि अब आई मिनिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा पी का सीधा स्ट्रेट पी के साथ वन टू वन ही बात की जाएगी कोई चीज़ डिस्कस होगी तो पी से ही इजाज़त ली जाएगी या पी के साथ ही मशावरत होगी ये एक रिसेंटली तरम हुई थी जो मैंने आपको वीडियोज में अपडेट की थी अच्छा है कि बीच में कोई टांग ना अडाए सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर पैटर्न चीफ होते हैं पीसीबी के तो उनके साथ ही मामला हूँ पी पी पीसीबी चेयरमैन के तो फैसलों पर अमल दरामद आसान हो जाएगा बीच में कोई टांग नहीं अड़ाएगा अच्छा है कि आप इसी मिनिस्ट्री को बीच से निकाल दिया गया सो तो ये बातें आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने को लेकर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई अपग्रेड अपडेट होगी तो सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी तो लेट्स सी अब देखते हैं गवर्नमेंट बनती है आने वाले आठ से नौ महीने ही रहे ऑलमोस्ट रह गए अगर आपका चैम्पियंस ट्रॉफी को तो लेट सी किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करते हैं और इसके अलावा जो पिंडी स्टेडियम का आपको मैंने बताया कि पशावर जलमी यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड इसको होम ग्राउंड के तौर पर ही फिलहाल यूज़ कर रही हैं फिलहाल तो वैसे है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही होम ग्राउंड इस्लामाबाद कैपिटल सिटी का अभी तक वो स्टेडियम नहीं बन पाया सी डी ए पी सी बी पता नहीं क्या क्या चलता रहा लेकिन इस्लामाबाद कैपिटल सिटी का अपना स्टेडियम है नहीं ये ट्विन सिटी के तौर पर राहुल पिंडी को इस्लामाबाद में काउंट किया जाता है तो इसलिए इसको इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड कहा जाता है और पेशावर जलमी पेशावर के करीब है ये तो इसलिए पेशा जलमी भी इसको होम ग्राउंड के तौर पर फिलहाल यूज़ कर रही है और आप देखिएगा पशावर जलमी यहाँ पर जो येलो कलर वाली किट है वो पहनेगी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी वो जो रेड है उनके होम ग्राउंड में वो पहनती है होम एंड अवे किट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पर रेड पहनेगी एंड बाकी कराची किंग्स जो है वो उनकी तो कोई होम अवे किट नहीं होती कोयटा ग्लेडिएटर्स की भी इस तरह से मैंने नहीं देखी है एंड मुल्तान सुल्तान की भी नहीं तो वो एक ही किट पहनते हैं बाकी पेशावर जलमी इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स ये तीनों ऐसी फ्रेंचाइजें हैं कि हर सीज़न में ये कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करती हैं एंड पी एस नाइन को अच्छे से प्रमोट करती हैं खास तौर पर पेशा जलमी जिस तरह से उनके एंथम होते हैं जिस तरह से वो किट को एक्सप्लेन करते हैं जिस तरह से वो प्रमोशन करते हैं पी एस नाइन की और ट्रेलर वगैरह लेके आते हैं उनका रीजनल एंथम भी होता है फिर ऑफिशियल एंथम भी होता है पेशावर जलमी का अलग से आप मैचि के दौरान सुन रहे होंगे तो so, काफ़ी की रोल प्ले करता है पेशावर जलमी पी एस नाइन की प्रमोशन में हेड्स ऑफ एंड क्रेडिट गोस टू द मैनेजमेंट ऑफ़ पिशा जलमी जावेद अफरीदी को खास तौर पर उसके बाद इस्लाम यूनाइटेड की भी होम एंड अवे किट एंड लाहौर कलंदर्स की भी है तो लाहौर कलंदर्स मोस्ट प्रॉब्ली को तो रेड वाली किट है वो आपको पहनता हुआ दिखाई देंगे और पांच मैचेस वो हार गए हैं लाहौर में होम मैचेस हार रहे हैं आज बिशार जल्ही और यूनाइटेड का लाहौर में मैच हो रहा है और फिर इस तरह से कल आखिरी एक मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान का कदाफी स्टेडियम लाहौर में होगा फिर गुड बाय करेंगे लाहौर को भी एंड फिर वहाँ से पिंडी शिफ्ट हो जाएंगे सो कराची के मैच फिर अट्ठाईस से शुरू हो जाने हैं और फिर यहाँ पिंडी में आपको इस्लाम आबाद भी रेड में दिखेगी बशा जलमी भी येलो में एंड लाहौर कलंदरज अवे हो जाएगी तो रेड में दिखेगी मोस्ट प्रॉब्बली लेकिन स्टार्टिंग के सीज़न में तो लाहौर कलंदर्स की मेरे ख्याल से जो रेड वाली किट होती थी वो हम होम होती थी और अवे के तौर पर वो ग्रीन कलर की किट पहनते थे लेट मी नो कम द कमेंट सेक्शन बिलो बताइएगा इस तरह से है या नहीं या फिर उन्होंने बाद में चेंज किया होगा बाकी पिंडी स्टेडियम के लिए जो चेयर्स इंस्टॉलेशन की अपडेट्स आती रही हैं उसमें वो आई पी सी मिनिस्ट्री इन्वाल्व होती रही जका अशरफ की जो जो ट्रेनियोर था वो भी थोड़ा डाउटफुल था और उसमें वो कॉन्ट्रैक्टिंग कर पा रहे थे चेयर्स इंस्टॉलेशन स्क्रीन इंस्टॉलेशन काफ़ी सारे टेंडर्स वो रिजेक्ट हुए अब लेट्स सी मोहसिन नकवी हैं अब ये चेयरमैन रह पाते हैं तीन तीन सालों के लिए या फिर नजम सेठी लेके आती है पंजाब गवर्नमेंट क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली जो पैटर्न चीफ हैं वो नून लिख के ही होंगे शहबाज शरीफ इसी पॉलिटिक्स की नज़र हो जाता है पीसीबी का चेयरमैन क्योंकि ऊपर जो गवर्नमेंट आ रही होती है वो मिक्स अचार होता है पीपीपी अपनी सीटें मांग रही होती है कि हमें यहाँ या इस इस डिपार्टमेंट में सीटें चाहिए होंगी और नूनली कह रही होती है कि हमें यहाँ या इस इस डिपार्टमेंट में हम अपने बंदे लाएंगे तो इसका शिकार हो जाता है पी चेयरमैन जका अशरफ ए नजम सेठी की स्टोरी आपके सामने है लेट्स होप के मौसम नकवी रहे रहें जैसे भी हैं लोग कह रहे हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड होपफुली ये पाकिस्तान के स्टेडियम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे लेके जाएंगे हमें अपग्रेड्स आगे देखने को मिलेंगी आठ से नौ महीने लेट सी पी एस एन के बाद अपडेट्स आती हैं। ऑन दी अदर हैंड जिस तरह से पिचेस बनाई जा रही है, बना रहे हैं पिंडी साइड एंड कराची का स्टेडियम है वहाँ पर भी आपको हाई स्कोरिंग पिचेज ही देखने को मिलेंगी क्योंकि ज्यादा छक्के लगे हैं बड़े बड़े टारगेट बने आप देख रहे हैं कि टू हंड्रेड प्लस टारगेट्स बनते जा रहे हैं so, हम इस तरह से मैचेज देखने को मिलेंगे और पिंडी साइड पर सबसे ज्यादा देखने का मजा आएगा मुल्तान कराची लाहौर के क्राउड की तो हमने बात कर ली लेकिन पिंडी का क्राउड भी किसी से कम नहीं आई तो कैपेसिटी स्टेडियम की कम है और जैम पैक कर देते हैं बाहरी क्राउड खड़ा रहता है यहाँ पे तो फुल हो जाता है हाउस खैर लेट्स ही मैं आगे आपको अपडेट करता रहूंगा आप सोशल मीडिया पर भी आके फॉलो कर ले मिलते हैं अगले किसी वीडियो अपडेट के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज